एक ओर तो योगी सरकार यूपी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के होने का दावा कर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ना तो यूपी के स्वास्थ्य सेवाओं का हाल सुधरा है और ना ही जिम्मेदारों की कार्यशैली। कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, जहाँ दूर दराज से आए ग्रामीणों को ना तो समय पर उपचार मिल रहा है और ना स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। नहीं, अभी एक्चुअली जो हमारा ये एमसीएच विंग है, 30 बेड का एमसीएच विंग है, ये अभी अभी करीब 1 महीने पहले आपको हैंड ओवर हुआ है, लेकिन इसमें चूंकि अभी पूरा स्टाफ नहीं आया है, पूरा इसका बेडिंग सिस्टम नहीं आया है, कोई भी फर्नीचर नहीं आया है, अभी इसका सामान और स्टाफ नहीं मिला है हमको। तो जो हमारी पुरानी सीएससी थी, इससे मैंने 18 बेड उठा के एमसीएच विंग में डाला है लाभार्थियों के भर्ती करने के लिए। अभी तक तो ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है कि कोई भी महिला जमीन पे लेटी हो, ये पहली बार आपके द्वारा बताया गया संज्ञान में आया है। इसके लिए मैं स्टाफ नर्स से और वहाँ पर कार्यरत डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई अगर अगर अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित इस पर कार्रवाई होगी। कितने दिन से जमीन पर लटका के रखा है? कितने दिन से लटका के रखा है जमीन पे? सर 16 तारीख से लेटे हैं। 16 तारीख से जमीन पर लटका के, अभी तक कोई ब्रेड कोई कुछ मिला ही नहीं सर, कुछ नहीं। तो आपने जब मैडम से बात की तो मैडम क्या बता रहे हैं आपको? मैडम तो अभी धमका रहे हैं, रेफर कर देंगे आपको। क्या कह रही? रेफर कर देंगे। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग का हाल तो ये है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी या तो समय पर आते नहीं हैं और आते हैं तो अपने कामों में मशगूल रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बेचारे ग्रामीण करें तो क्या करें। न्यूज़ ब्यूरो।